और गोरखपुर न्यूज में आपका स्वागत है। हमेशा की तरह मैं सुनय पांडे। खबरों के विस्तार में जाएंगे, लेकिन विस्तार में जाने से पहले सबसे पहले नजर डाल लेते हैं आज के प्रमुख हेडलाइंस पर। जिलाधिकारी के अध्यक्षता में संपन्न हुई मुख्यमंत्री के प्राथमिकताओं में शामिल विकास कार्यों की समीक्षा, कार्यों में आ रही बाधा को दूर करने के लिए दिए निर्देश। बच्चे के जन्म का प्रमाण पत्र बनवाने गए एक आदमी को दलालों ने दौड़ा कर पीटा, मामले का महापौर ने लिया संज्ञान, कहा नगर निगम परिसर में नहीं बनने देंगे अराजक तत्वों का अड्डा। विद्युत कर्मचारी संघर्ष समिति संघ ने किया बुद्धि शुद्धि यज्ञ, कहा शांतिपूर्वक तरीके से लड़ेंगे निजीकरण की लड़ाई, चाहे जाना पड़े जेल। अपराधी अमरजीत यादव के नाम पर रंगदारी मांगने वाला चढ़ा पुलिस के हत्थे, एसपी सिटी ने किया खुलासा। रेलवे में लंबित पदोन्नति का तत्काल क्रियान्वयन किए जाने सहित कुल 16 सूत्री मांगों को लेकर पूर्वोत्तर रेलवे कर्मचारी संघ के सदस्यों ने दिया धरना, पूर्वोत्तर रेलवे महाप्रबंधक को सौंपा ज्ञापन। चोरी की 5 बाइकों के साथ 2 अभियुक्त पुलिस के गिरफ्त में, एसपी सिटी ने किया खुलासा। शास्त्री चौक के हो रहे सुंदरीकरण कार्य और बरसात के दौरान कलेक्ट्रेट परिसर में लगने वाले जल जमाव स्थल का नगर आयुक्त ने किया निरीक्षण, कार्यों को समय सीमा से पूर्व पूरा करने का दिया निर्देश। विश्व टीवी दिवस के अवसर पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी और जिला 6 रोग अधिकारी ने हरी झंडी दिखाकर जागरूकता रैली को किया रवाना। गोरखपुर छावनी रेलवे क्रॉसिंग के नीचे भूमिगत रास्ता बनाए जाने सहित अन्य मांगों को लेकर उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्यों ने पूर्वोत्तर रेलवे महाप्रबंधक कार्यालय के समक्ष किया विरोध प्रदर्शन। गोरखपुर विश्वविद्यालय में वैश्विक संदर्भ में उद्यमिता संवर्धन मुद्दे पर और चुनौतियां विषयक 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का हुआ समापन। 9 सूत्री मांगों को लेकर पूर्वांचल बैंक कर्मियों का दूसरे दिन भी जारी रहा कार्य बहिष्कार। गोरखपुर विश्वविद्यालय के अंग्रेजी विभाग द्वारा आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का मंगलवार को हुआ समापन। उत्तर प्रदेश बोर्ड परीक्षा की लगभग 12 लाख उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन का कार्य तुलसीदास इंटर कॉलेज में हुआ पूरा। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान गोरखपुर द्वारा शैक्षिक मेले का जिला विकास अधिकारी ने फीता काट कर किया अवलोकन। ट्रायंगल सीरीज T20 क्रिकेट मैच में नेपाल ए ने नासा KS टैलेंट को 7 विकेटों से हराया। और गोरखपुर क्रिकेट लीग के सेमीफाइनल मैच में आतिफ क्रिकेट एकेडमी ने रॉयल उद्यान को 6 विकेटों से हराकर सेमीफाइनल में अपनी जगह की पक्की। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री के प्राथमिकताओं में शामिल विकास कार्यों की समीक्षा बैठक जिलाधिकारी के विजयन पांडियन की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न हुई। बैठक में फर्टिलाइजर खाद कारखाना, कूड़ा घाट के निर्माणाधीन एम्स सहित अन्य योजनाओं के प्रगति की समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने खाद कारखाने के निर्माण में आ रही बाधा को दूर करने के निर्देश दिए और एम्स निर्माण के कार्यों में तेजी लाने को कहा। बैठक में जिला अर्थ सांख्यिकी अधिकारी सहित नगर निगम विद्युत विभाग के साथ संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। स्थानीय स्तर पर क्या अपेक्षा थी सर, शासन स्तर पर क्या अपेक्षा थी सर, शिक्षा के संबंध में सर केवल मात्र एक कार्रवाई शेष रह गई सर। यहाँ जनपद स्तर पर हमारे HURL के सर अच्छा आप बता दीजिए, आप यार प्रगति बताइए किस स्टेज पे हम और क्या और कोई जिला प्रबंधन में कोई सहयोग चाहिए तो बता दीजिए। क्या चीज है नगर नियम परिषद में प्रस्ताव पारित होना था बोर्ड में, नगर नियम का टैक्स जमा करना इनको देना है आपको जी सर, क्या टैक्स बताया जी सर,
पुराना टैक्स सेटर पैदा किए तो उसको क्या करेंगे यार, जैसे ओल्ड ड्यू 2 करोड़ का बकाया बता रहे हैं, पुराने बकाया। ये एक्चुअली सर उन्होंने कहा है कि अप्रैल आपका जमीन SSB से भी मिला, वो भी रेडी है देखने के लिए, बस फर्स्ट अप्रैल जो उसका बजट आएगा उसको वहीं से। फिर ये डिमांड तो ये फिर SSB को रेस करेंगे कि आपको रेस करेंगे, प्रिंसिपल तो ओनर आप ही है, दूसरे जी सर की आपने सबलीज करा दिया एक तरफ से। हाँ जी सर, वो पार्ट सेपरेट करा दिया गया, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना जी, नगर निगम से मिल करके SSB का पार्ट सेपरेट करा दिया गया है, FCI का सेपरेट करा दिया गया। SSB से बात होगी आपसे? हाँ जी सर। क्या वो देने के तैयार है? रेडी है, नेक्स्ट मंथ में दे देंगे सर। तो फिर ये 47.32 नगर निगम परिसर में इन दिनों अराजक तत्वों का जमावड़ा लगा हुआ है। यह अराजक तत्व भोले भाले लोगों को प्रमाण पत्र बनवाने के नाम पर लूट खसोट करते हैं, और अगर कोई इनका विरोध करता है तो उसे मारने पीटने से भी ये गुरेज नहीं करते। ऐसा ही एक मामला मंगलवार को प्रकाश में आया। तिवारीपुर थाना क्षेत्र के घोसीपुर निवासी विश्वनाथ कुशवाहा अपने पुत्र का जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के नाम पर बीते कई दिनों से नगर निगम के एक दलाल को रुपये दिए थे। मंगलवार को जन्म प्रमाण पत्र लेने पहुंचे पीड़ित को अराजक तत्वों ने ना ही पैसे दिए और ना ही जन्म प्रमाण पत्र दिया। इस बात पर वाद विवाद बढ़ गया और दलालों ने विश्वनाथ कुशवाहा को जमकर दौड़ाकर पीटा, जिसके बाद श्री कुशवाहा किसी तरह से वहां से भागने में कामयाब हुए। घटना की जानकारी पीड़ित ने तत्काल महापौर सीताराम जायसवाल को दी। महापौर ने मामले को संज्ञान लेते हुए संबंधित थाना क्षेत्र के चौकी प्रभारी को बुलाकर मामले की जानकारी दी और कहा नगर निगम परिसर में किसी प्रकार के दलाल को प्रवेश नहीं होने दिया जाएगा। अकेला आदमी था कि और भी उसके साथ है? उसका भाई लड़का है, जवान लड़का, उसका जमान सर से लंबा है वो। नामांतरण का पैसा ले रहे हैं सर? वो भी लेते हैं और कई लोग लेते हैं, बाबू भी तो लेते हैं। बाबू 16 तारीख को जन्म प्रमाण पत्र लड़के बनाए, कल लास्ट डेट है सर, कल लास्ट डेट है, इसमें जमा करना है। पैसा भी ले लिया हमसे, 500 मांगा 400 दे दिया। कल बुलाया है, आज बुलाया, बुलाया 11 बजे, फिर बोला 2 बजे आइए, फिर बोला 4 बजे, 4 बजे दिया पैसा, मारे से मौका देखिए आपको मिल जाएगा। दूसरे दिन भी बुलाया, जन बन रहा है तो फार्म भरने के नाम पे 500 रुपया लिए और गेट से ही पब्लिक लौटा दिए, पब्लिक आप उसके नाम से लौटा दीजिए, तो आप तत्काल दे दीजिए, हम कल ही कार्रवाई करें।
इसी संदर्भ में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए महापौर सीताराम जायसवाल ने बताया, पहली बार मुझे संज्ञान में आया है कि जनमत प्रमाण पत्र बनाने में यहाँ पर कुछ अराजक तत्व सक्रिय हैं और मैं इसके लिए संबंधित बाबू को बुलाया है और उन्हें निर्देशित किया है कि आप किसी अराजक तत्व के माध्यम से जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं बनाएंगे, अगर बनाएंगे तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और भी संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि यहाँ पर अराजक तत्व जो भी नगर निगम के अंदर प्रवेश करते हैं उस पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाए, इसकी सूचना सभी अधिकारियों को दे दी गई है और ये घटना की पुनः आवृत्ति नहीं होगी। मैं अपने नागरिकों को और जन्म मृत्यु प्रमाण बनाने वाले लोगों से निवेदन करता हूं कि सीधे काउंटर पर जाएं और अपना जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बताएं, इसमें किसी तरह का कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। अगर नहीं बनता है तो सीधे मुझे नगर आयुक्त को इस संबंध में जानकारी दें, उस पर कार्रवाई होगी और समय सीमा के अंदर उनका काम का निस्तारण कर दिया जाएगा। सर, नगर निगम परिसर में पुलिस चौकी भी है सर, मौके पे इससे सर कोई पुलिसकर्मी मौजूद नहीं था सर? मुझे आज जानकारी हुई है कि यहाँ पर परमानेंट किसी पुलिसकर्मी की व्यवस्था नहीं है। चौकी होने के बाद मैं इस पुलिस अधिकारियों से बात करूँगा और परमानेंट यहाँ पर पुलिस की व्यवस्था कराने के लिए मैं SSP से बात करूँगा और यह व्यवस्था होगी। आगे से यहाँ पर जरूर ही पुलिस उपस्थित रहेगी और किसी तरह के आरक तत्व के प्रवेश पर रोक लगा दिया जाएगा। हमला सर ये था कि हमने 17 तारीख को उसको पैसा दिया। कौन था सर ये? हम नगर निगम में बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र बनवाने आए थे, उससे हमने पूछा सर कहाँ बनेगा, तो वो कहाँ हम ही लोग बनाते हैं। उन्होंने बोला हमें पैसा कितना पड़ेगा, तो बोला कि आप जो है 500 रुपया दे दीजिए, लेकिन हमसे 400 रुपया उसको हमने दिया, 400 रुपया दिया और बोला कि आप 20 तारीख को आके ले लीजिएगा। 20 को आए तो 20 को उसने दिया नहीं, फिर बुलाया वो 22 को भी आने दिया, 23 बुलाया, 24 बुलाया। आज वहाँ पर रजिस्टर पर नोट नहीं किया था, जाके रजिस्टर मेंटेन देख रहे थे, रजिस्टर में लड़के का नाम नहीं था, उनका नाम नहीं। उसके बाद उससे हाथापाई मेरी होगी, हमको 2-4 तक। किसको पैसा दिए थे आप, नाम क्या है उसका? निहाल। निहाल नाम है जी। कितने लोग आपके साथ मारपीट किए हैं जी? कितने लोग आपके साथ मारपीट किए हैं? वो अकेले था, बड़ा ही था, हमसे लंबा था, फटा था, वो मार दिया। और वहाँ पर बाबू भी थे। अभी इसकी सूचना किसी को दिए हैं? सूचना चौकी पर गए थे, चौकी उठे नहीं, अभी हमने इनको मेयर साहब को दिया है। क्या बोले? मेयर साहब बोले एप्लीकेशन लिखिए और मेरा जन्म मेरा पत्र बनवा रहे हैं। मंगलवार को कार्यालय मुख्य अभियंता पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम मोहद्दीपुर में विद्युत कर्मचारी संघर्ष समिति के सचिव ब्रजेश त्रिपाठी के नेतृत्व में 7वें दिन भारी संख्या में विद्युत कर्मी इकट्ठा हुए और सरकार को सद्बुद्धि आए इसके लिए बुद्धि शुद्धि यज्ञ करने के लिए उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया। निजीकरण के विरोध में सभी संगठनों के पदाधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे। संघर्ष समिति के सचिव ने कहा कि बिजली बिल जमा करने की कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गई है, यह जनता की लड़ाई है, हमें इसे शांतिपूर्ण ढंग से लड़ना चाहिए, इसके लिए हमें जेल भी जाना पड़े तो हम जाएंगे। Bang! 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 B
देंगे, गोरखपुर नहीं बिकने देंगे। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सचिव विद्युत कर्मचारी संघर्ष समिति के ब्रिजेश त्रिपाठी ने कहा, क्या है आज का देखिए, आज सातवें दिन में आज पूरे प्रदेश में, आज पहले तो गोरखपुर और कुछ जिलों में चल रहा था, नहीं आज पूरे गोरखपुर पूरे उत्तर प्रदेश में आज प्रदर्शन हो रहा है। शक्ति भवन से लेकर मेरठ, आगरा, आप गाजियाबाद, देवरिया, कुशीनगर, पड़ौना, इलाहाबाद, बनारस, हर जगह पूरे प्रदेश में आज सरकारी कर्मचारी अपने जो भी निकटतम ऑफिस है, मुख्यालय, वहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आज का मुख्य कार्यक्रम क्या था? आज का मुख्य कार्यक्रम है कि जो भी निजीकरण के खिलाफ हम लोग संगठित हुए हैं, इसको तन मन धन से लड़ेंगे, आगे की लड़ाई लड़ते रहेंगे। सरकार की शुद्धि बुद्धि के लिए हमन किया गया कि भगवान आपको फिर से सोचने की इच्छा शक्ति दें और ये जो निजीकरण के पक्ष में आपने कैबिनेट पास किया है इसको वापस लें। बिजली बिल का जो काउंटर अभी बंद चल रहा है, उसकी कोई वैकल्पिक व्यवस्था की गई है क्या? ये देखिए, वैकल्पिक व्यवस्था प्रशासन के ऊपर निर्भर करता है। हमने जो हमको व्यवस्था दी गई थी उसको हमने बंद किया हुआ है, कोई बिजली व्यवस्था बिल जमा नहीं हो रहा है। हम उपभोक्ताओं को जो 24 घंटा इमरजेंसी सेवा देने की जो हमारी व्यवस्था है उसको हम बहाल किए हुए हैं, वो हम नहीं बंद करें, क्योंकि हमारे उपभोक्ता के हमारे देवता हैं, समान हैं, उनसे हमारी कोई दुश्मनी नहीं। हमको शासन से लड़ना है, प्रशासन से लड़ना है, इस सरकार से लड़ना है, निजीकरण के खिलाफ, जनता से हमको नहीं लड़ना है। जनता को हमको फीडबैक मिल रहा है, जनता इसमें सहयोग भी कर रही है कि 10 साल से आपका निजी हाथों में यहाँ की बिलिंग व्यवस्था है जो एकदम भ्रष्ट है, कोई भी समय से बिजली बिल नहीं मिलता है। जब पूरी व्यवस्था जब निजी हाथों में चला जाएगा तो हम कहाँ किसके पास जाएंगे? देखिए, मांग पूरी की जाएगी आज, नहीं तो कल मांगेंगे, हम लड़ते रहेंगे, हम बैठेंगे नहीं, वापस नहीं होने वाले हैं। जब तक मांग नहीं मांगेंगे, हमको जेल भी जाना पड़े इसके लिए तो हम जेल भी जाएंगे, जिस हद तक जाना पड़े हम जाएंगे शांतिपूर्वक तरह से। आजमगढ़ जेल में बंद अपराधी अमरजीत यादव के नाम पर शहर के व्यवसायी से 5 लाख रुपए रंगदारी मामले में एक बदमाश को पुलिस ने गिरफ्त में ले लिया है। पुलिस लाइन के सभागार में घटना का खुलासा करते हुए एसपी सिटी विनय कुमार सिंह और सीओ क्राइम प्रवीण कुमार सिंह ने बताया कि आजमगढ़ जेल में निरुद्ध अमरजीत यादव के नाम पर 5 लाख रुपए रंगदारी मांगने की घटना को गंभीरता से लेते हुए एसएसपी के निर्देश में क्राइम ब्रांच की स्वात टीम व थानाध्यक्ष राजघाट को लगाया गया था, जिसके संबंध में सूचना संकलित की जा रही थी। उसी दौरान ट्रांसपोर्ट नगर पुलिस चौकी के पास प्रभारी स्वाट और थानाध्यक्ष राजघाट आपस में चर्चा कर ही रहे थे कि मुखबिर की सूचना मिली कि रंगदारी मांगने वाला व्यक्ति फलमंडी की तरफ से आ रहा है। तभी एक व्यक्ति फलमंडी से आते दिखाई दिया, जिसे घेर कर पकड़ लिया गया। तलाशी लेने के बाद पकड़े गए युवक के पास से धमकी देने वाला मोबाइल भी बरामद हुआ। पकड़े गए अभियुक्त की पहचान सुमित राय पुत्र अवधेश राय निवासी पिपरा बाजार थाना नेबुआ नौरंगिया जनपद कुशीनगर का है। इस रंगदारी मामले का खुलासा करते हुए गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी सिटी विनय कुमार सिंह ने बताया, ये 11 के शातिर अपराधी अमरजीत यादव के नाम पर रंगदारी मांगने के नाम पर जो कि गिरफ्तार किया गया, इसका नाम सुमित राय है। इसने राजघाट के एक व्यापारी नीरज गुप्ता परसों उनको फ़ोन करके अमरजीत यादव के नाम पे 5 लाख रुपये की रंगदारी मांगा था और इस संदर्भ में व्यापारी द्वारा मुकदमा पंजीकृत कराया गया और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा राजघाट की टीम, स्वाट की टीम और सी क्राइम को लगाया गया था। उनके पर्यवेक्षण निर्देशन में घटना का सफल खुलासा किया गया। फ़ोन करने वाले युवक सुमित राय को उसी फोन के साथ गिरफ्तार कर लिया गया है। ये युवक आपके सामने है, इसे पूछताछ पूछताछ में उन्होंने बताया था इनके पास एक गाड़ी, क्योंकि बीकॉम ये रहने वाले मूल रूप से कुशीनगर के हैं, लेकिन मोहद्दीपुर में रहते हैं। कुशीनगर में इनका थाना है नेबुआ नौरंगिया पिपरा बाजार। रंगदारी क्यों मांग रहे? बताओ भाई क्यों मांग रहे? फोन किया था कि पैसा 5 लाख का ही दो, अमरजीत यादव क्या करता दुकान है किस चीज़ की? अरे अगर दोस्त है तो काहे को शिकायत करेगा? उसका नंबर पता नहीं था हमारा, नया नंबर। अच्छा, कमी शादी में लगा दिया। किस स्तर की दोस्ती थी? मतलब कब दोस्ती हुई थी? कक्षा 6 से। और जिस नंबर से फोन किए थे, जिनकी तलाशी ली गई तो इनके पास से
वो नंबर मिला, वो पर्ची में गलत था। रेलवे में लंबित पदोन्नति का तत्काल क्रियान्वयन किए जाने सहित कुल 16 सूत्री मांगों को लेकर पूर्वोत्तर रेलवे कर्मचारी संघ के सदस्यों ने मंगलवार को रेलवे महाप्रबंधक कार्यालय के बाहर धरना दिया। इस दौरान उन्होंने अपनी मांगों से संबंधित ज्ञापन पूर्वोत्तर रेलवे महाप्रबंधक को सौंपा। संघ के सदस्यों ने ज्ञापन के माध्यम से मुख्यालय के सभी विभागों में कॉमन रूम की व्यवस्था किए जाने, रेलवे चिकित्सालय में मरीजों के लिए दवा की समुचित व्यवस्था उपलब्ध किया जाए, सभी विभागों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराएं, रेलवे आवासों की मरम्मत कराए जाने सहित कई सूत्री मांग की। धरने के दौरान संघ द्वारा एक सभा का आयोजन भी किया गया, जिसमें संघ के पदाधिकारियों ने रेलवे में व्याप्त भ्रष्टाचार को समाप्त किए जाने की बात कही। इस अवसर पर संघ के अध्यक्ष ए.के. शुक्ला, कार्यकारिणी अध्यक्ष सी.के. सांघनिया, उपाध्यक्ष फिरोज उल हक, मंत्री सतीश चंद्र अवस्थी, अशोक कुमार श्रीवास्तव, श्रीधर सहित रेलवे के कई कर्मचारी मौजूद रहे। कोऑपरेटिव बैंक का उनके साथ है, हम लोग भी चाहते हैं कि महाप्रबंधक जी आकर के वहाँ अपना आशीर्वाद दे, हम लोगों को भी मिले। और रेलवे के तले हम लोग रेलवे और बैंक में व्याप्त भ्रष्टाचार के विरोध में व्यापक संघर्ष कर रहे हैं। महाप्रबंधक जी के कार्यालय के सामने रेलवे कोऑपरेटिव बैंक में व्याप्त भ्रष्टाचार के कारण, तो महाप्रबंधक महोदय इस समय कहेंगे कि आप अपनी गरिमा को बचाते हुए भी इस बैंक में जो व्यापक भ्रष्टाचार है उसको समाप्त किया जाए। यहाँ के संचालक मंडल के सदस्य आप ही के सदस्य हैं, आपके रेल कर्मचारी हैं, वो यहाँ कर्मचारियों की प्रताड़ना कर रहे हैं, शोषण कर रहे हैं और भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं, भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं। आपके नाक के तले यह सारी घटनाएं हो रही है और आप सोए हो। आपको एक शायरी के माध्यम से मैं कहना चाहूंगा, तीरे सितम ने छोड़ी है इस बेरुखी के साथ, तीरे सितम ने छोड़ी है इस बेरुखी के साथ, तेरी भी जिंदगी हुई है मेरी जिंदगी के साथ। रेलवे कर्मचारी उसको सहयोग से, कर्मचारियों के सहयोग से उसको समाप्त किया गया। और मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ हमारा रेलवे कोऑपरेटिव बैंक पूरे भारत में पहला एक ऐसा बैंक है जो भ्रष्टाचार मुक्त है। इसमें PRPS का बहुत बड़ा सहयोग। आप लोग सारी चीजें संज्ञान में लेकर आप ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। या केस में पूर्व में धमला देने की कोशिश की तो आरपीएफ के आईजी महोदय ने जो सुरक्षा करते हैं वही जो है यहाँ पर फोर्स लगा के भागो नहीं देने दिए, लोकतंत्र की हत्या कराए। और यह हत्या के जिम्मेदार महाप्रबंधक और रेलवे के आईजी और डीआईजी महोदय है। जब यहाँ रेल कैंपस में इतनी भ्रष्टाचार और सुरक्षा है तो बाहर का आलम होगा, आपको अच्छे तरीके से मालूम होगा। महाप्रबंधक महोदय मैं आपको ज्ञान संज्ञान में चाहता हूँ कि आप इस भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करें, अन्यथा हम मानव श्रृंखला बनाएंगे और पूरे शहर में सिलेंडर और चुनाव को अपने परिवार के साथ धरने में बैठेंगे। बात की जिम्मेदारी आपकी होगी। शाहपुर पुलिस तथा स्वाट टीम के संयुक्त तत्वावधान में चलाए गए अभियान में पुलिस ने 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर 5 चोरी की मोटरसाइकिलें बरामद की हैं। पुलिस लाइन सभागार में घटना का खुलासा करते हुए SP सिटी विनय कुमार सिंह ने बताया कि कौवा बाग पादरी बाजार मोड़ पर वाहन चेकिंग व संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना मिली कि वाहन चोरी करने वाले गिरोह के कुछ सदस्य जा रहे हैं, जिस पर पुलिस टीम द्वारा कौवा बाग पादरी बाजार मोड़ पर मोहद्दीपुर की तरफ से आते हुए मोटरसाइकिल सवार को दबोच लिया गया। पूछताछ करने पर युवकों ने अपना नाम विनीत स्केल, पुत्र वीरू उर्फ सैमसन स्केल निवासी बसारतपुर सुड़िया कुआं थाना शाहपुर तथा दूसरे का नाम मनोज प्रसाद पुत्र देवनाथ निवासी नंदा नगर सैनिक कुंज थाना शाहपुर बताया गया है। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए SP सिटी विनय कुमार सिंह ने बताया। इंस्पेक्टर शाहपुर के नेतृत्व में थाना शाहपुर की पुलिस द्वारा 2 शातिर वाहन चोरों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से कुल चोरी के 5 मोटरसाइकिल बरामद हुए। हाँ, एक शातिर वाहन चोर है, इसमें से एक पहले भी वाहन चोरी के मामले में जेल जा चुका है।
शास्त्री चौक के हो रहे सुंदरीकरण कार्य और बरसात के दौरान कलेक्ट्रेट परिसर में लगने वाले जल जमाव स्थल का नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश सिंह ने निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान नगर आयुक्त ने शास्त्री चौराहे पर बन रहे फौहारे डिवाइडर और लोगों के बैठने के लिए निर्माणाधीन सीट की प्रगति की भी जानकारी ली और कार्य को 3 माह के अंदर पूरा कराने का निर्देश भी दिया। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश सिंह ने बताया, साथ साथ जो है कलेक्ट्रेट के सामने, कलेक्ट्रेट में यहाँ बरसात के मौसम में पानी का जमा हो जाता है, तो उसी से सीवर के कनेक्शन और नालियों को बनाने के संबंध में हम लोग देख रहे थे। जिलाधिकारी महोदय भी चाहते हैं कि यहाँ कलेक्ट्रेट के चारों तरफ एक ऐसी व्यवस्था की जाए ताकि बरसात में पानी का जमाव ना हो और साथ ही साथ सामान्य दिनों में भी जो पानी नालियों में दिख रहा है वो जमने ना पाए, तो उसी के संबंध में मैं देख रहा था चारों तरफ है। तो वही उसके लिए सीवर वगैरह जो चौक है उसको खुलवाने की व्यवस्था हो रही है, साथ ही साथ सौंदर्यीकरण का कार्य जो है इसको तेजी से पूर्ण किया जाए ताकि जो है 3 महीने का जो हमारा टारगेट है उस अवधि में पूर्ण हो जाए। विश्व टीबी दिवस के अवसर पर मंगलवार को चिकित्सा विभाग द्वारा 6 रोग के बचाव संबंधित जागरूकता रैली निकाली गई, जिसमें मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रविंद्र कुमार और जिला 6 रोग अधिकारी रामेश्वर मिश्र ने हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया। जिला अस्पताल से यह जागरूकता रैली निकलकर शास्त्री चौराहा, टाउन हॉल, घोष कंपनी चौक होते हुए वापस जिला अस्पताल में आकर समाप्त हो गई। इस मौके पर उप जिला 6 रोग अधिकारी डॉक्टर विराट स्वरूप श्रीवास्तव, डॉक्टर सुनील कुमार सिंह, डॉक्टर नदीम अरसद, पीपीएम कोऑर्डिनेटर एएन मिश्र सहित सभी एएसटीएलएस और एसटीएस के सदस्य मौजूद रहे। उसको टाइट करिए, उसको धीरे धीरे आइए आइए। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिला 6 रोग अधिकारी रामेश्वर मिश्रा ने बताया, यह रैली जो है जागरूकता के रूप में निकाली जा रही है। जो है ये टीबी जो है एक संक्रामक बीमारी है जो कि यह निकले खांसने से फैलता है। जिस व्यक्ति को टीबी होती है वह व्यक्ति जो है साल में यदि इलाज नहीं होता है तो 10 से 15 लोगों को टीबी फैला सकता है।
और वह टीवी जो है कई तरह का होता है, नॉर्मल भी होता है, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट भी होता है, एक्सटेंसिव ड्रग रेजिस्टेंट भी रखती है और टोटल ड्रग रेजिस्टेंस होता है। यदि हम जागरूकता पैदा नहीं करेंगे तो साल में न जाने कितने हमारे जो है व्यक्ति जो है टीवी से ग्रसित हो जाएंगे, इसलिए बहुत जागरूकता जरूरी है। जन जन में जागरूक फैलाना है। समय से यदि किसी व्यक्ति को टीवी के लक्षण पाए जाते हैं तो उनका जो है समय से डायग्नोसिस हो जाए और उनका प्रॉपर इलाज कराया जा सके, जिससे इस क्षयरोग बीमारी से बचाया जा सके और देश को हम टीवी मुक्त कर सके। इसीलिए ये जागरूकता रैली निकाले हुए हैं और निकाल रहे हैं। गोरखपुर छावनी रेलवे क्रॉसिंग के नीचे भूमिगत रास्ता बनाए जाने तथा छावनी के निकट पहले से ही मौजूद 3 फीट सकरी लोहे के पैदल पुल को 15 फुट चौड़ा किए जाने की मांग को लेकर महानगर कांग्रेस कमेटी के सदस्यों ने मंगलवार को पूर्वोत्तर रेलवे महाप्रबंधक कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान कमेटी के सदस्यों ने अपनी मांगों को लेकर जमकर नारेबाजियां भी की। कमेटी के सदस्यों का कहना है कि इन मांगों को लेकर वो लंबे समय से आंदोलनरत हैं, लेकिन रेलवे प्रशासन इन मांगों को लगातार नजरअंदाज करता रहा है, जिससे आम जन की काफी समस्याओं का सामना करना पड़ा है। इस मौके पर कमेटी के महासचिव दिलीप कुमार निषाद, मार्कंडे सिंह, अनुज चौधरी, दीपक कुमार सहित कमेटी के कई पदाधिकारी व सदस्य मौजूद रहे। हमारी मांगे पूरी हो। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए दिलीप कुमार निषाद ने कहा, हमारी मांग है रेलवे क्रॉसिंग गोरखपुर छावनी पे जो भूमि फाटक लगा हुआ है वो काफ़ी दिनों से, जिसके वजह से काफ़ी परेशानियाँ होती है नीना थापा और इस विद्यालय के लोग, कारखाने के लोग, स्थानीय जनता, जिसके कारण वहाँ पे बड़ी समस्या होती है। आए दिन गेट बंद हो जाता है, 15 मिनट में गेट बंद हो जाता है, वहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा भीड़ लग जाती है। आम जनता एकदम परेशान हो चुकी है उस चीज़ से परेशान हो चुकी है। हम उसकी मांग को लेकर अनवरत धरना प्रदर्शन 1996 से चला रहे हैं। 1996 पहले हमारी मांग को ये हुआ था कि ऊपर से दिया जाएगा, लेकिन यहाँ पे एयरफोर्स का हवाला देते हुए ये बोला गया कि ये ऊपर से नहीं बनाया जा सकता। फिर हम लोग नीचे से भूमिगत रास्ते की मांग को अपना ये कार्यक्रम फिर इनके इसके तहत कार्यक्रम दिए जा रहे हैं और रेलवे प्रबंधन को कुछ नहीं मिल रहा है। हम अब इनको अल्टीमेटम दे रहे हैं, अगर हमारी मांग को नहीं करते हम भूख हड़ताल में बैठने के लिए बाध्य होंगे। गोरखपुर विश्वविद्यालय के वाणिज्य विभाग द्वारा वैश्विक संदर्भ में उद्यमिता संवर्धन मुद्दे और चुनौतियां विषय पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का मंगलवार को समापन हो गया। इस अवसर पर मुख्य वक्ता के रूप में लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रोफेसर संगीता साहू, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के प्रोफेसर कृष्ण कुमार जायसवाल, राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अशोक शुक्ल और प्रोफेसर हिमांशु कुमार सहित कई शिक्षक व छात्र छात्राएं मौजूद रहे। संगोष्ठी में महिलाओं में उद्यमिता, राजनीतिक सामाजिक उद्यमिता आदि मुद्दों पर शोध पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसके पश्चात वक्ताओं ने संबंधित विषय पर अपने अपने विचार व्यक्त किए। And I hope if you are sitting like 100 students and out of the 100 they are afforded for the banks and the PUs and out of 10 they are got success. So in the same proportion, if you will make the trade to the 100 students regarding the BB entrepreneur, if the 10 will succeed, the rest 90 will get the job from the same. This is the reality, but there is a requirement to change the mindset. But what is reality? Sofa set, balance set, kya set change karne chahte hain, but we don't want to set the mindset. The mindset is important. The society in which we are living,
The mindset is important. We are listening a lot. We are thinking a lot, but we are not going beyond that. There is required to think beyond the area and the limits where we are living. We can do something. We can take the risk. A lot of programs, as Professor Ajay Gupta has told regarding the central government and the state government, Skill India is part of India. The problem is that we are not the central government as the state government. Always we are talking about the what is the percentage of unemployment, and you are aware with this fact. Now the government has decided that they will not issue the data of number of unemployment from the current year. So why you are worried about? There is no need for the getting the jobs. And again, one example I want to share with you. In my university, the senior professor, they have shared their daughters told to their fathers they don't want to marry with the government, the boys who are working in the government, because they have told there is no progress, there is no future prospects, and the boys to whom they are going to develop the relation, he is in the private sector, there is more chances to go the abroad to heaven. So this is the more important. And most of the ITN and IIMC students, if you take the story from this, they have started their jobs only to learn something up to the 4 and 5 years. And after that, they have started their own business and the plans. So if the central government has sponsored and introduced these certain skill development programs, certain startups programs. ग्रामीण बैंक के निजीकरण व पब्लिक इशू के प्रस्ताव वापस लिए जाने सहित 9 सूत्री मांगों को लेकर पूर्वांचल बैंक कर्मियों का 3 दिवसीय कार्य बहिष्कार के तहत मंगलवार को तारामंडल स्थित पूर्वांचल बैंक परिसर में दूसरे दिन भी जारी रहा। धरने पर बैठे बैंक कर्मचारियों ने अपनी मांग को लेकर जमकर नारेबाजियां की। बैंक कर्मचारी धरने के माध्यम से दैनिक वेतन भोगी और आकस्मिक कर्मचारियों को न्यूनतम मजदूरी भुगतान व नियमितीकरण किए जाने, बैंक निदेशक मंडल बोर्ड के अधिकारी व कर्मचारी प्रतिनिधि की भागीदारी सुनिश्चित किए जाने, सार्वजनिक बैंकों की तर्ज पर कंप्यूटर इंक्रीमेंट की व्यवस्था दिए जाने सहित कुल 9 सूत्री मांग की है। धरने के दौरान पूर्वांचल बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन के कार्यकारी अध्यक्ष विनोद कुमार मिश्र, महामंत्री सुरेश चंद श्रीवास्तव, पीके श्रीवास्तव, केके श्रीवास्तव, अजय कुमार शर्मा सहित एसोसिएशन के कई पदाधिकारी व सदस्यगण मौजूद रहे। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए पूर्वांचल बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन के महामंत्री सुरेश चंद श्रीवास्तव ने बताया। सकारात्मक ये रहा कि कल स्ट्राइक के पहले दिन जो साथी स्ट्राइक में नहीं सम्मिलित थे, आज भी कल उससे प्रभावित होकर तमाम साथियों ने आज हड़ताल में अपनी सक्रिय भागीदारी दी और कई रीजन पूरी तरीके से बंद हैं। आज पूर्व रूपे तालाबंदी है, ये हमारी उपलब्धि रही। स्थानीय स्तर पे भारत सरकार द्वारा अभी कोई इस तरह कदम नहीं उठाया गया है कि हम अपना हड़ताल वापस लें। कल हमारा हड़ताल का तीसरा दिन पूरा कंटिन्यू रहेगा और पूरे 10 दिन बैंक बंद होने के बाद भी अगर सरकार हमारी मांगों के बारे में नहीं सोचती है तो आने वाले दिनों में हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने के लिए विवश होंगे। इसकी पूरी जिम्मेदारी भारत सरकार को। चलिए ब्रेक में जाने से पहले नजर डाल लेते हैं आज के प्रमुख हेडलाइंस पर। जिलाधिकारी के अध्यक्षता में संपन्न हुई मुख्यमंत्री के प्राथमिकताओं में शामिल विकास कार्यों की समीक्षा, कार्यों में आ रही बाधा को दूर करने के लिए दिए निर्देश।
बच्चे के जन्म का प्रमाण पत्र बनवाने गए एक आदमी को दलालों ने दौड़ा कर पीटा। मामले का महापौर ने लिया संज्ञान, कहा नगर निगम परिसर में नहीं बनने देंगे अराजक तत्वों का अड्डा। विद्युत कर्मचारी संघर्ष समिति संघ ने किया बुद्धि शुद्धि यज्ञ, कहा शांतिपूर्वक तरीके से लड़ेंगे निजीकरण की लड़ाई, चाहे जाना पड़े जेल। अपराधी अमरजीत यादव के नाम पर रंगदारी मांगने वाला चढ़ा पुलिस के हत्थे, एसपी सिटी ने किया खुलासा। रेलवे में लंबित पदोन्नति का तत्काल क्रियान्वयन किए जाने सहित कुल 16 सूत्री मांगों को लेकर पूर्वोत्तर रेलवे कर्मचारी संघ के सदस्यों ने दिया धरना, पूर्वोत्तर रेलवे महाप्रबंधक को सौंपा ज्ञापन। चोरी की 5 बाइकों के साथ 2 अभियुक्त पुलिस के गिरफ्त में, एसपी सिटी ने किया खुलासा। शास्त्री चौक के हो रहे सुंदरीकरण कार्य और बरसात के दौरान कलेक्ट्रेट परिसर में लगने वाले जल जमाव स्थल का नगर आयुक्त ने किया निरीक्षण, कार्यों को समय सीमा से पूर्व पूरा करने का दिया निर्देश। विश्व टीवी दिवस के अवसर पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी और जिला 6 रोग अधिकारी ने हरी झंडी दिखाकर जागरूकता रैली को किया रवाना। गोरखपुर छावनी रेलवे क्रॉसिंग के नीचे भूमिगत रास्ता बनाए जाने सहित अन्य मांगों को लेकर उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्यों ने पूर्वोत्तर रेलवे महाप्रबंधक कार्यालय के समक्ष किया विरोध प्रदर्शन। गोरखपुर विश्वविद्यालय में वैश्विक संदर्भ में उद्यमिता संवर्धन मुद्दे पर और चुनौतियां विषयक 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का हुआ समापन। 9 सूत्री मांगों को लेकर पूर्वांचल बैंक कर्मियों का दूसरे दिन भी जारी रहा कार्य बहिष्कार। गोरखपुर विश्वविद्यालय के अंग्रेजी विभाग द्वारा आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का मंगलवार को हुआ समापन। उत्तर प्रदेश बोर्ड परीक्षा की लगभग 12 लाख उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन का कार्य तुलसीदास इंटर कॉलेज में हुआ पूरा। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान गोरखपुर द्वारा शैक्षिक मेले का जिला विकास अधिकारी ने फीता काट कर किया अवलोकन। ट्रायंगल सीरीज T20 क्रिकेट मैच में नेपाल ए ने नासा KS टैलेंट को 7 विकेटों से हराया। और गोरखपुर क्रिकेट लीग के सेमीफाइनल मैच में आतिफ क्रिकेट एकेडमी ने रॉयल उद्यान को 6 विकेटों से हराकर सेमीफाइनल में अपनी जगह की पक्की। हम चाहे कितने भी बड़े हो जाएं, कुछ तोहफे हम कभी नहीं भूलते। जैसे घर आई नन्ही खुशी के लिए दादा दादी का दुलार, दिवाली पर मिठाई के डब्बे में छुपा मम्मी के लिए पापा का प्यार, वो दिल से पूछा गया एक सवाल और उसके जवाब की तैयारी में शुभ आरंभ का आशीर्वाद। ऐश प्रा 76 सालों से परंपरा विश्वास की। गोरखपुर न्यूज के तरफ से एक विशेष ऑफर, ऐशपुरा के शोरूम जाइए और जितने भार का सोना आप खरीदेंगे उतना ही चांदी मुफ्त पाइए। अपने आप को गोरखपुर न्यूज का दर्शक बताइए और इस विशेष ऑफर का लाभ उठाइए। ब्रेक के बाद आपका फिर से इस बुलेटिन में स्वागत है। चलिए बढ़ते अगली खबर की तरफ। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के अंग्रेजी विभाग द्वारा आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का मंगलवार को विश्वविद्यालय के संवाद भवन में समापन हो गया। राष्ट्रीय संगोष्ठी के समापन अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अंग्रेजी विभाग के प्रोफेसर संजय दत्ता, गोरखपुर विश्वविद्यालय के अंग्रेजी विभाग की पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर विनोद सोलंकी, प्रोफेसर अशोक श्रीवास्तव, प्रोफेसर अजय कुमार शुक्ला, प्रोफेसर शिखा सिंह सहित कई मौजूद रहे। शिक्षक व छात्र छात्राएं भी इसमें मौजूद रहीं।
संगोष्ठी में देश के विभिन्न प्रांतों से आए लगभग 3 दर्जन प्रतिभागियों ने अपने शोध पत्रों का वाचन भी किया, जिसके बाद वक्ताओं ने संगोष्ठी के विषय रीराइटिंग द पास्ट लिटरेचर मिथ एंड हिस्ट्री पर अपने अपने विचार रखे। Something which was open in the earlier performances, because they were done in the open. But nature itself can be disruptive to performance. Thunder, lightning, rain, storms can disrupt performances. And therefore, the requirement for a protected space within which narration, performative narratives, you see, could function was required. And within that protected space, certain elitist things could be done, activities where nature and creatures, people close to nature were kept out of that closed and enclosed space. So it was natural that disruption would take place of this so-called elitist activity, which is ironical because originally the fifth wave was conceived. Theatre, performative narratives were conceived as ways of the Vedic knowledge percolating down to the lowest level. Can it be tactics? But within the so-called closed-enclosed space that was created, a lot of theatrical performances could be done in safety. And then there is a reference to a second disruption, again in Bharat Muni's Natyashastra. But this, mind you, is a different disruption. It's very different in character from the first disruption, which was done by the demons. This time, the disruption was done by the upper caste Hindus. They felt that those Brahmins who were acting in Bharat Muni's productions had lost their caste. मंगलवार को गोरखपुर के 6 विद्यालयों में चल रहे उत्तर प्रदेश बोर्ड परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन का कार्य तुलसीदास इंटर कॉलेज में भी जारी रहा। मूल्यांकन के 11वें दिन तुलसीदास इंटर कॉलेज में प्राप्त लगभग 12,10,000 उत्तर पुस्तिकाओं में से 12,00,000 उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कार्य पूरा हो चुका है। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए उप नियंत्रक तुलसीदास इंटर कॉलेज के सुनील कुमार दुबे ने कहा, कल तक पूरे कापियां जज जाएंगी, बिल उल बनाने के लिए एक दिन और रह जाएगा, कल तक लगभग पूरी प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। कितनी उत्तर पुस्तिका थी? लगभग 12,00,000 से ऊपर कापियां थी, लगभग 13,00,000 कापियां थी, लेकिन 12,00,000 लगभग जज गई आज तक, 12,00,000 से ऊपर।
मंगलवार को जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान नारमल परिसर में प्रस्तुत शैक्षिक कार्यक्रमों और प्रदर्शनी का मुख्य अतिथि जिला विकास अधिकारी बब्बन उपाध्याय और विशिष्ट अतिथि भारतीय जनता पार्टी के महानगर अध्यक्ष राहुल श्रीवास्तव ने फीता काटकर किया। अतिथि के रूप में पहुंचे भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय प्रवक्ता डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह सहित संस्थान के शिक्षक व छात्र मौजूद रहे। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मुख्य अतिथियों ने शैक्षिक मेले को देखकर मेले में प्रदर्शनी लगाने वाले विद्यार्थियों की सराहना की। शैक्षिक मेले का आयोजन प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह भदौरिया द्वारा किया गया। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान द्वारा मुख्य अतिथियों के स्वागत के लिए रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया। गोरखपुर श्री बब्बन उपाध्याय जी, के क्षेत्र में किए गए नवाचारों का प्रदर्शन, वे प्रदर्शनी, उस प्रदर्शनी का विशिष्ट अतिथि हमारे भारत अभियान जय 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 रे, पीड़ा
मंडिताय गुणेशानाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदंताय वक्रतुंडाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय करते हुए जिला विकास अधिकारी बब्बन उपाध्याय और प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान ज्ञानेन्द्र प्रताप भदौरिया ने कहा, अब की बार पूरे उत्तर प्रदेश में जिले जिले मनाया जा रहा है शैक्षणिक मेला है, जिसमें नवाचार जो भी किए गए हैं स्कूलों के अंदर, माध्यमिक विद्यालय चाहे बेसिक विद्यालय चाहे इंजीनियरिंग कॉलेज चाहे पॉलिटेक्निक कॉलेज, जो भी विधाएँ हैं खासतौर से हमारे BTC कॉलेज, चाहे वो प्राइवेट हों चाहे हमारे डायरेक्ट हों चाहे DLED के हों, उनके द्वारा जो भी नवाचार किया जाता है, जो भी सृजनात्मक बच्चों की है या कल्पना चीज़ें हैं, वो बाकायदा यहाँ पर टीचिंग लर्निंग मटेरियल के द्वारा, वॉल पेंटिंग के द्वारा, रंगोली के द्ववारा, वाद विवाद के द्वारा, सृजनात्मक जितनी भी चीज़ें हैं उनको यहाँ प्रदर्शित किया जा रहा है। इससे बच्चों के द्वारा मनोबल ऊँचा हो रहा है और इससे बहुत अच्छा संदेश जा रहा है कि जब बच्चा खुद अपने हाथ से करेगा तो वो जल्दी सीखेगा, किताबी ज्ञान की अपेक्षा करके सीखना ज़्यादा अच्छा है, कोई सिखाया जा रहा है। जैसे यहाँ जनपद में शैक्षिक मेले का आयोजन किया गया है, इसमें हमारे जनपद के दूर दराज क्षेत्रों से बच्चों के द्वारा प्रस्तुति किया गया है, इसमें बच्चों ने आधुनिक विज्ञान के तौर तरीके, जैसे हम आज जो ऊर्जा के क्षेत्र में जो हमारी आवश्यकता है इसके लिए इन्होंने ऊर्जा के क्षेत्र में सोलर ऊर्जा के द्वारा कैसे हम पंप चला सकते हैं, कैसे हम नहर और कैनाल चला सकते हैं, कैसे हम ऊर्जा की बचत कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आज शिक्षा स्वास्थ्य और सफाई के क्षेत्र में जो आवश्यकता है, हमारे विद्यालय कैसे आदर्श बने, कैसे स्वच्छ विद्यालय बने, इसके बारे में बच्चों ने अपने बनाए हुए सामग्री से प्रदर्शन किया है। ये एक ऐसी व्यवस्था है जिसके तहत बच्चे पढ़ाई के साथ साथ उसको मूर्त रूप में समाज में कैसे दिया जा सकता है, इसके प्रस्तुतिकरण का यहाँ पर प्रयास किया गया है और इसके साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया है। 2 दिन तक इस मेले का आयोजन किया गया है और इसमें सभी बच्चे अपनी प्रतिभा को यहाँ पर प्रस्तुत करेंगे, हमारे निर्णायक मंडल द्वारा उनको पुरस्कृत भी किया जाएगा और जो बच्चे अच्छे करेंगे उनको पुरस्कार मिलेगा, जो थोड़ा उससे नीचे रहे उनको सातवां पुरस्कार मिलेगा और इस तरह से बच्चों में एक पढ़ाई के साथ साथ अतिरिक्त कार्यक्रम की भी प्रतिस्पर्धा होगी और ये बच्चे आगे जाके अच्छा। मंगलवार को सेंट एंड्रयूज डिग्री कॉलेज के मैदान पर ट्रायंगल सीरीज का तीसरा T20 क्रिकेट मैच नेपाल ए और नासा KS टैलेंट के बीच खेला गया। पहले बल्लेबाजी करते हुए नासा KS टैलेंट ने 20 ओवरों में 8 विकेटों के नुकसान पर कुल 119 रन बनाई। नेपाल ए की तरफ से विक्रम भूषण और जितेंद्र मुखीजा को 3-3 विकेट मिले। 120 रनों का पीछा करने उतरी नेपाल ए ने 19 ओवरों में ही 3 विकेट के नुकसान पर 120 रनों का लक्ष्य प्राप्त कर लिया और 7 विकेटों से यह मैच जीत लिया। नेपाल ए की तरफ से प्रदीप ने 55 गेंदों पर 5 चौके और 5 छक्के की मदद से 77 रनों की पारी खेली।
मंगलवार को रेलवे क्रिकेट ग्राउंड पर चल रहे गोरखपुर क्रिकेट लीग का सेमीफाइनल मैच आतिफ क्रिकेट एकेडमी और रॉयल उद्यान्स के बीच खेला गया। पहले बल्लेबाजी करने उतरी रॉयल उद्यान्स ने 35 ओवरों में 6 विकेटों के नुकसान पर 189 रन बनाए। रॉयल उद्यान्स की तरफ से ऋषभ राव ने शतकी पारी खेली। 190 रनों का पीछा करने उतरी आतिफ क्रिकेट एकेडमी ने 33वें ओवर में ही 4 विकेटों के नुकसान पर इस लक्ष्य को प्राप्त कर लिया और यह मुकाबला 6 विकेटों से जीतकर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। आतिफ क्रिकेट एकेडमी की तरफ से विजय यादव ने 44, अंजनेय ने 42 और निखिल राव ने 41 रनों की पारी खेली। चलने के पहले जल्दी जल्दी नजर डाल लेते हैं आज के प्रमुख हेडलाइंस पर। जिलाधिकारी के अध्यक्षता में संपन्न हुई मुख्यमंत्री के प्राथमिकताओं में शामिल विकास कार्यों की समीक्षा। कार्यों में आ रही बाधा को दूर करने के लिए दिए निर्देश। बच्चे के जन्म का प्रमाण पत्र बनवाने गए एक आदमी को दलालों ने दौड़ा कर पीटा। मामले का महापौर ने लिया संज्ञान। कहा नगर निगम परिसर में नहीं बनने देंगे अराजक तत्वों का अड्डा। विद्युत कर्मचारी संघर्ष समिति संघ ने किया बुद्धि शुद्धि यज्ञ। कहा शांतिपूर्वक तरीके से लड़ेंगे निजीकरण की लड़ाई चाहे जाना पड़े जेल। अपराधी अमरजीत यादव के नाम पर रंगदारी मांगने वाला चढ़ा पुलिस के हत्थे। एसपी सिटी ने किया खुलासा। रेलवे में लंबित पदोन्नति का तत्काल क्रियान्वयन किए जाने सहित कुल 16 सूत्री मांगों को लेकर पूर्वोत्तर रेलवे कर्मचारी संघ के सदस्यों ने दिया धरना। पूर्वोत्तर रेलवे महाप्रबंधक को सौंपा ज्ञापन। चोरी की 5 बाइकों के साथ 2 अभियुक्त पुलिस के गिरफ्त में। एसपी सिटी ने किया खुलासा। शास्त्री चौक के हो रहे सुंदरीकरण कार्य और बरसात के दौरान कलेक्ट्रेट परिसर में लगने वाले जल जमाव स्थल का नगर आयुक्त ने किया निरीक्षण। कार्यों को समय सीमा से पूर्व पूरा करने का दिया निर्देश। विश्व टीबी दिवस के अवसर पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी और जिला 6 रोग अधिकारी ने हरी झंडी दिखाकर जागरूकता रैली को किया रवाना। गोरखपुर छावनी रेलवे क्रॉसिंग के नीचे भूमिगत रास्ता बनाए जाने सहित अन्य मांगों को लेकर उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्यों ने पूर्वोत्तर रेलवे महाप्रबंधक कार्यालय के समक्ष किया विरोध प्रदर्शन। गोरखपुर विश्वविद्यालय में वैश्विक संदर्भ में उद्यमिता संवर्धन मुद्दे पर और चुनौतियां विषयक 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का हुआ समापन। 9 सूत्री मांगों को लेकर पूर्वांचल बैंक कर्मियों का दूसरे दिन भी जारी रहा कार्य बहिष्कार। गोरखपुर विश्वविद्यालय के अंग्रेजी विभाग द्वारा आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का मंगलवार को हुआ समापन। उत्तर प्रदेश बोर्ड परीक्षा की लगभग 12 लाख उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन का कार्य तुलसीदास इंटर कॉलेज में हुआ पूरा। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान गोरखपुर द्वारा शैक्षिक मेले का जिला विकास अधिकारी ने फीता काट कर किया अवलोकन। ट्रायंगल सीरीज T20 क्रिकेट मैच में नेपाल ए ने नासा KS टैलेंट को 7 विकेटों से हराया। और
गोरखपुर क्रिकेट लीग के सेमीफाइनल मैच में आतिफ क्रिकेट एकेडमी ने रॉयल उद्यान को 6 विकेटों से हराकर सेमीफाइनल में अपनी जगह की पक्की। इस बुलेटिन में बस इतना ही, तो अगले बुलेटिन तक के लिए कीजिए इंतजार और देखते रहिए गोरखपुर न्यूज, न्यूज बिफोर हेडलाइंस। नमस्कार।